खवातीन एक माहवारी के दौरान औसतन 30 से 40 मिलीलीटर खून खो देती हैं। बहुत ज़्यादा खून बहने वाली खवातीन मुमकिना तौर पर 80 मिलीलीटर तक खून खो सकती हैं। जिन खवातीन को माहवारी में गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा खून बहने का सामना होता है, उनको मेनोरेजिया हो सकती है, वो हालत जिसमें 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये हालत बहुत ज़्यादा बहाव का सबब बनती है। आपको हर घंटे में अपना पैड तब्दील करने की ज़रूरत होती है। आप एक दिन में 6 या 7 से ज़्यादा पैड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हालत खून की कमी और शदीद दर्द का सबब भी बन सकती है। मेनोरेजिया की अलामत। कुछ ख्वातीन को माहवारी की पहली आमद से लेकर हर वक्त हैवी ब्लीडिंग होती है, लेकिन दूसरों के लिए कई सालों बाद शुरू होते हैं। हैवी पीरियड्स के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा अच्छा ख्याल है, खासतौर पर अगर मसला आपके लिए नया है। यह खून की कमी का बायस बन सकता है, जो आपको कमजोरी, थकावट और सांस फूलने का एहसास दिलाता है। मेनोरेजिया की अलामत में शामिल हो सकती है एक दिन या इससे ज़्यादा के लिए कम अज़ कम 1 घंटे में एक बार पैड तब्दील करना, आधी रात में पैड तब्दील करना, भारी बहाव को कंट्रोल करने के लिए एक वक्त में 2 पैड पहनना, 7 दिन से ज़्यादा मुद्दत तक ब्लीडिंग होना, थकावट और सांस की किल्लत महसूस करना, माहवारी के दरमियान खून बहना। कौन सी चीज़ें हैवी प्रोडक्ट्स का सबब बन सकती हैं? कई हालात या मसाइल ज़्यादा माहवारी का सबब बन सकते हैं, जैसे कि हमल में पेचीदगी, स्कात हम, मखसूस अद्वियात और हार्मोन का मसला वगैरह। मेनोरेजिया की पेचीदगियाँ। माहवारी में बहुत ज़्यादा खून बहना दीगर मसाइल का बायस बन सकता है, बशमूल खून की कमी, पीला जल्द, कमज़ोरी, थकावट, शदीद दर्द। अगर आपको पेचीदगियाँ हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि आपके मेनोर्जिया और मुतालिका अलामात को कंट्रोल करने में क्या मदद मिल सकती है। हर औरत का साइकिल मुख्तलिफ होता है, इसीलिए ये जानना मुश्किल है कि आया आपके माहवारी नॉर्मल है या भारी। आपका डॉक्टर आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि आपकी माहवारी स्पेक्ट्रम पर कहाँ आती है। वो आपको इलाज तलाश करने में भी मदद कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने माहवारी और अलामात के बारे में अपने डॉक्टर के साथ ईमानदार हों, ताकि वो आपके लिए मददगार हल तलाश कर सकें। अपनी माहवारी से डरने की कोई वजह नहीं, बहुत सारे अच्छे इख्तियारात हैं जो आपको इसको मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकते हैं। अपने सवालात और ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तीमारदार, हमें है आपका ख्याल।